हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ टेस्ट बुक का टुडे ऑफर के बारे में। अभी टेस्ट बुक में ऑफर क्या चल रहा है, क्या आपको टेस्ट बुक पास प्रो अभी परचेस करना है। टेस्ट बुक में दो आपको सेक्शन मिलता है, एक है टेस्ट बुक पास एंड दो है टेस्ट बुक पास प्रो। तो टेस्ट बुक पास एंड पास प्रो में कौन सा लेना बेहतर है एंड टेस्ट बुक में आपको कितना एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो ये सब कुछ आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट बुक ऐप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। ये बिल्कुल फ्री है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर के द्वारा आपको साइन अप कर लेनी है, बहुत ईजी है। इसके बाद टेस्ट बुक में आपको कितने सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, तो चलिए वो आपको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको माय एग्जाम पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर क्लिक करके यानी कि ऐड करके रखा है। यहाँ पर ऐड मोर एग्जाम करके जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ये कॉमेंट कर रहे हैं क्या मुझे ये एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आरबी एनटीपीसी का, क्या मुझे एसएससी का मिलेगा, क्या मुझे बैंक में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सभी के सभी जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम है यहाँ पर आपको टेस्ट आपको मिल जाएगा। आप खुद से भी ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है पास सेक्शन पर। पास सेक्शन पर जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आपके पास शो हो रहा है, एक टेस्ट बुक पास प्रो, एक है टेस्ट बुक पास। तो चलिए देखते हैं इस दोनों में अंतर क्या है। जब आप टेस्ट बुक पास पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बस यही आपको मिलेगा। आपको लग रहा है ये बहुत है, बट पास प्रो में देखिए थोड़ा इंतजार करके कि पास में जो मिल रहा है वो तो पास प्रो में मिलेगा, उसके साथ साथ आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर यानी कि 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रो लाइव टेस्ट जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा एंड आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, जितने भी टाइम आपको चाहिए री अटेम्प्ट करना आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि मैम मैंने गलती से पास परचेस कर लिया, क्या हम पास प्रो मतलब वहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या आप स्विच कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, अगर आप गलती से पास परचेस कर लेंगे तो आपको फिर से पास प्रो परचेस करना है। तो पास या फिर पास प्रो कुछ भी आप परचेस करने जाओ, थोड़ा ध्यान से परचेस करो, थोड़ा ठंडा दिमाग से परचेस करना, क्योंकि आप ने अगर गलती से पास परचेस कर लिया तो आपको फिर से पास प्रो परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई अपडेट या पर कोई अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर अभी पास एंड पास प्रो का प्राइस शो हो रहा है, तो ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप ये वीडियो दो महीना बाद देख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये प्राइस शो नहीं होगा, ये प्राइस ऑफर टू ऑफर वेरी करता है। अभी जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर के अकॉर्डिंग ये प्राइस है, अगर ऑफर में आपको प्राइस कम हो जाएगा तब आपको प्राइस कम में मिलेगा, तो ये ऑफर टू ऑफर वेरी करता है। तो अभी यहाँ पर आप प्राइस देख पा रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने कूपन कोड अप्लाई करके रखा है, जो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 13% ऑफ, ये जो परसेंटेज ये कभी 12%, कभी 13%, कभी 20%, तो ये ऑफर टू ऑफर भी वेरी करता है। तो ये जो डिस्काउंट है ये आपको सिर्फ BAZ कूपन कोड अप्लाई करके ही मिलेगा, और कोई भी कूपन कोड या रेफरल कोड अप्लाई करके आप इतना डिस्काउंट आप अवेल नहीं कर सकते। तो जब भी आप जाओ टेस्ट बुक पास में पास एंड पास प्रो परचेस करने, तो जरूर अप्लाई कीजिए BAZ कूपन कोड ताकि आपको मिले मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट ये भी सवाल मुझे किया है कमेंट सेक्शन पर, क्या मुझे अभी टेस्ट बुक पास या पास प्रो परचेस करना है, क्या मुझे नेक्स्ट ऑफर के लिए वेट करना है। तो इसका मैं जवाब अभी दे देती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अभी परचेस करना चाहते हो या फिर बाद में परचेस करना चाहते हो। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, अगर आपका एग्जाम नजदीक है, तो मुझे लगता है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नेक्स्ट ऑफर में कम प्राइस में तो मिल जाएगा। बट ये जो टाइम होता है ना एग्जाम से पहले, ये टाइम आपको वापस नहीं आएगा। अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, एग्जाम भी नजदीक नहीं है, तो आप वेट करो नेक्स्ट ऑफर में, अब जब प्राइस कम होगा तब परचेस कर लेना, क्योंकि ये जो प्राइस है ये कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो ये ऑफर टू ऑफर वेरी करेगा। बट ये जो एग्जाम के जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज्यादा प्रीसियस होता है, ये वापस कभी आपके पास लौट कर नहीं आएगा। आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब ये 700 रुपीज़, 600 रुपीज़ आपके पास कुछ भी नहीं लगेगा, मामूली एक प्राइस लगेगा, है ना। तो फोकस कीजिए एग्जाम का, ना कि प्राइस का। तो मेरा ड्यूटी है आपके बताना कि अभी क्या ऑफर चल रहा है या नहीं, बाकी तो आपके ऊपर है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इस साल सिलेक्शन ले लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।